26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी अब्दुल सुभान कुरैशी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कुरैशी भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। इसका हाथ 2008 के गुजरात धमाकों में भी था। कुरैशी के पास एक पिस्तौल और कुछ कारतूस मिले हैं। कुरैशी पिछले कई साल से नेपाल में रह रहा था, वो सऊदी अरब भी गया था। पुलिस के मुताबिक कुरैशी दिल्ली में अपने एक सहयोगी से मिलने के लिए आया था। कुरैशी भारत में फिर से आतंकवादी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। आपको बता दें, अब्दुल सुभान कुरैशी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसके पास काफी तकनीकी जानकारी भी थी। पी चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने 50 वांटेड लोगों की लिस्ट जारी की थी। इसमें इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी कुरैशी का नाम भी शामिल था। बताया जाता है कि कुरैशी मुजाहिदीन के लड़ाकों को ब्लास्ट के लिए उकसाने का काम भी करता था। उन्होंने इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अब्दुल सुभान कुरैशी उस तौकीर, जो कि को फाउंडर है इंडियन मुजाहिदीन का और एक टाइम पर हेड था सिमी का, इसको परसों रात को पकड़ा है आफ्टर ए ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर फ्रॉम द एरिया ऑफ गाजीपुर। तौकीर 2008 के जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे गुजरात में, 23 ब्लास्ट हुए थे गुजरात में 2008 में, उसका ये मास्टरमाइंड है। और ये ब्लास्ट अहमदाबाद में हुए थे 26 जुलाई 2008 को। फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था इंडियन मुजाहिदीन को और सिमी को, यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में।